हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और देखिए, आज हम सूजी के मोदक बनाएंगे। उकड़ीचे मोदक भी बोलते हैं इनको। ये गुजरात महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने कच्चा नारियल ले लिया है, इसमें सूखा नारियल नहीं डलेगा। इसको हम कद्दूकस कर लेंगे अच्छी तरह से, और बारीक वाली साइड से कद्दूकस करेंगे। ज़्यादा मोटा नारियल हमें नहीं चाहिए। तो गाइस, ये पानी वाला कच्चा नारियल है, यही डलेगा, इस बात को ध्यान में रखना। और इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं पहले सारे नारियल को। तो गाइस, ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया नारियल। ये मैंने एक नारियल लिया था पूरा, मतलब 200 ग्राम के करीब नारियल है। तो ये देखिए, सारा मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब क्या करेंगे, एक पैन चढ़ा देंगे और इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। ये रिफाइंड में भी बन सकता है, देसी घी में भी बना सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो गाइस, 1.5 से 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और उसमें हम डाल देंगे कसा हुआ नारियल। ये देखिए, मैं पूरा डाल दूंगी इसको। इसके बाद क्या करेंगे गाइस, जब हम नारियल डाल देंगे, नारियल को हम 1 से 2 मिनट तक घी में भूनेंगे। ये सॉफ्ट हो जाएगा घी में और अच्छी खुशबू भी आती है देसी घी में इसको सेकेंगे तो। और गाइस, एक नारियल में मैं अब क्या करूँगी, ये देखिए, मैंने गुड़ ले लिया है, 150 ग्राम के करीब गुड़ है। तो ये गुड़ डालेंगे, तो इसको पहले हम तोड़ लेंगे बारीक। तोड़कर गुड़ इसलिए डालेंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो इसको बारीक तोड़ लेंगे पहले। ये परफेक्ट मीठा है इस एक नारियल के लिए। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं थोड़ा और डाल सकते हैं। तो ये देखिए, पूरा गुड़ डाल देंगे। तो गाइस, गुड़ डालने के बाद ये अच्छी तरह से सेक लेंगे हम। और गुड़ को ये देखिए, पूरा मेल्ट कर लिया है। मेल्ट होने के बाद गुड़ को हम अच्छी तरह से नारियल में, गुड़ को पूरा सूखने तक इसको पकाएंगे। इसको पकने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। ये देखिए, गुड़ पतला हो गया बिल्कुल, और इसने पानी सा छोड़ दिया है, जैसे नरम हो गया बिल्कुल गुड़। और इसको बिल्कुल पूरा सूखने तक इसको हम सेकेंगे। अच्छी तरह से सेक लेते हैं गाइस। और इसकी जो डलियाँ थी वो अच्छी तरह से तोड़ लिए मैंने। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी जैसे दिख रहा है पूरे गुड़ में अभी। तो 1 से 2 मिनट और सेकेंगे और सारा पानी ये सूख जाएगा, क्योंकि चाशनी जैसे बन जाता है नारियल में जब हम गुड़ डालते हैं तो। और लगातार चलाते रहेंगे वरना ये जल जाएगा। इसको मैं नॉन स्टिक में बना रही हूँ, आप इसको सिंपल बर्तन में भी बना सकते हैं थोड़ी धीमी आँच करके, बट लगातार हम इसको चलाते ही रहेंगे गाइस। ये देखिए, गुड़ हमारा सिक गया है लगभग। और ये देखिए, अच्छी तरह से पानी सोख लिया गुड़ ने, नारियल ने पूरा। और अब हम इसको साइड में कर देंगे। गुड़ हमारा बनकर तैयार है। ये स्टफिंग है गाइस, इसमें काजू बादाम भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। इसमें नारियल की खुशबू भी बहुत अच्छी लेंगे। तो गाइस, ये देखिए, 2 चम्मच मैंने घी ले लिया है। और इसमें हम ले लेंगे 4 चम्मच सूजी। और अब हम इसको 1 मिनट के लिए सेकेंगे सिर्फ घी में। देखिए, सूजी हमारी सिक गई है, इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए सेकेंगे हम, ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन है जो निकल जाए। और अब हम इसमें पानी डालेंगे 1.25 गिलास के करीब पानी डालेंगे। 1 चुटकी में इसमें नमक डाल दूंगी। नमक डालने से क्या होगा, ये जो मीठे मोदक बनेंगे इसका जो टेस्ट है बैलेंस हो जाएगा। ओहो, ये तो टूट गया। तो गाइस, ये भी टूट चुका है। सारा बैटर एक बाउल में निकाल लेंगे, फिर से गैस जलाएंगे और ये
पैन रख लेंगे एक बड़ा पतीला। तो गाइस आप लोगों को तो पता ही है मोदक को स्टीम करना पड़ता है, तो इसमें 2 गिलास के करीब मैं पानी डाल दूंगी। साथ में एक ग्रिल है इसको लगा देंगे। तो गाइस ये देखिए ये जो फिलिंग है मोदक में हम भरेंगे, ये देखिए थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे। इसको हम एक लड्डू के साइज का ले लेंगे। मोदक के साँचे भी आते हैं गाइस, उसमें थोड़ा शेप अच्छा बन जाता है और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। और मैं आपको हाथ से बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बीच में जगह बना लेंगे फिलिंग रखने के लिए, और एक चम्मच के करीब इसके अंदर रख देंगे इसको। ये देखिए बिना सांचे के इस तरह से मोदक बना लेंगे, और कितनी अच्छी शेप आई है। हम चाहें तो फोक से देखिए डिजाइन भी बना सकते हैं, डिजाइन बनाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये मोदक बनकर तैयार हो गया है, और पानी भी देखिए गर्म हो गया, तो इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। ये देखिए फिलिंग भरते जाएंगे, और इस तरह से मोदक की शेप इसी तरह से होती है। हम चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, बट जो पारंपरिक होते हैं मोदक वो इसी शेप के होते हैं, तो क्यों ना हम भी इसी शेप के बना लें। तो गाइस ये देखिए हम फोर्क से इस तरह से भी डिजाइन बना सकते हैं, आप जैसे चाहे मनचाह अपनी पसंद का डिजाइन दे सकते हैं। ये देखिए गाइस और अब हम इसको 12 से 15 मिनट तक स्टीम करेंगे। तो इनको स्टीम कर लेते हैं और गैस को हम तेज़ी रखेंगे थोड़ा। तो गाइस चेक कर लेंगे एक बार। तो ये देखिए मोदक हमारे बनने वाले हैं, 12 मिनट हो गए हैं इसको स्टीम होते हुए। हम निकाल लेते हैं अपने मोदक। तो गाइज ये देखिए सूजी के स्वादिष्ट मोदक बनकर तैयार हैं। गणपति जी को प्रसाद लगाइए और बनाइए इसी तरह से मोदक घर पर। तो गाइज आप सबको भी मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।